हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द डेस्क देवा इंग्लिश स्पोकन क्लास। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए ताकि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ओके फ्रेंड्स, फ्रेंड्स टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू अबाउट द हैड बेटर, वुड बेटर एंड वुड रेदर। ये हैड बेटर क्या है, हैड बेटर या वुड रेदर या हैड रेदर, इसका इस्तेमाल हम कहां करते हैं, आज हम यही सीखेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो लेट्स स्टार्ट द क्लास ऑफ द डे। फ्रेंड्स, मैंने लिख के रखा है सेंटेंसेस हैड बेटर एंड हैड रेदर। इसका इस्तेमाल हम किस तरह के सेंटेंसेस के लिए करते हैं, क्या व्यक्त करने के लिए हम करते हैं। अगर हम सेंटेंस बोलते हैं कि आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते तो अच्छा होता, या हम किसी को ऐसे बोलते हैं ना कि आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे तो अच्छा होगा, या आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते तो अच्छा होता, इस तरह के सेंटेंसेस हम बोलते हैं, तो उसको हम इंग्लिश में ऐसे बनाते हैं। यू हैड बेटर, हम यहां पर ये जरूर लगा लेंगे इस तरह के सेंटेंसेस में। इस तरह के सेंटेंसेस में हम यू हैड बेटर, हैड बेटर जरूर लगेगा सब में। यू हैड बेटर टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, यू हैड बेटर टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। यहां पर हैड बेटर लगाना जरूरी होता है, यू हैड बेटर, इस तरह के कोई भी सेंटेंस आए तो उसमें हैड बेटर जरूर लगाना है। ठीक है फ्रेंड्स, अभी हम इसको दूसरे तरीके से बना सकते हैं, जैसे यू हैड रेदर टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, यू हैड रेदर टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। अब इसी तरह से दूसरा सेंटेंस है, वो डॉक्टर का सलाह लेता तो अच्छा होता, तो इसमें भी हम वैसे ही बनाएंगे कि ही वुड बेटर या ही हैड बेटर, ही हैड बेटर सी द डॉक्टर। सी द डॉक्टर मतलब आप बोलेंगे अभी सलाह लेने की बात आ गई तो इसमें सी कहां से आ गया, मीन्स डॉक्टर से मिलता। मिलने के मतलब ये होता है कि हम सलाह लेने के लिए मिलते हैं, तो अगर वो डॉक्टर से मिलता या डॉक्टर से सलाह लेता तो अच्छा होता। ठीक है फ्रेंड्स, इसको हम दूसरे तरीके से बना सकते हैं, ही हैड रेदर सी द डॉक्टर। बहुत ही सिंपल है इस तरह के सेंटेंसेस को बनाने में, बनाने का तरीका बहुत ही सिंपल है, आप बहुत ही अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि किस तरह से बनाते हैं इसको। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें एक तीसरी तरीका भी है, उसका भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, वुड का, ही वुड रेदर, ही वुड रेदर सी द डॉक्टर। मतलब हम किसी खास डॉक्टर की बात करें इसलिए हम यहाँ पर द लगा रहे हैं, अगर किसी खास पर्टिकुलर डॉक्टर की बात नहीं करेंगे तो हम यहाँ पे अ लगा सकते हैं। ठीक है, ही वुड रेदर सी अ डॉक्टर। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरह के सेंटेंसेस को हम हमेशा ऐसे ही बनाते हैं। जैसे हम बोल सकते हैं कि अगर आप हमारे घर आते तो अच्छा होता, तो यू हैड बेटर कम टू माई हाउस। अगर वे लोग मैच जीतते तो अच्छा होता, दे हैड बेटर विन द मैच, या दे हैड रेदर विन द मैच। अगर उसने कड़ी मेहनत की होती तो अच्छा होता, ही हैड बेटर वर्क हार्ड, या ही हैड रेदर वर्क हार्ड। अगर तुमने दवाई ली होती तो अच्छा होता, यू हैड बेटर टेक मेडिसिन। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह के सेंटेंसेस को हम बनाने के लिए हैड बेटर, हैड रेदर या वुड रेदर का भी हम इस्तेमाल करते हैं। ओके फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा अच्छी तरह से। तो अब तक हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक्स, थैंक्स अ लॉट एंड धन्यवाद।